दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड के टी पॉइंट पर भयंकर दुर्घटना हुई है। इधर देखिए बड़कल का रास्ता चला जाता है और इधर पाली का रास्ता चला जाता है और इधर गुरुग्राम का रास्ता चला जाता है, तो ये टी पॉइंट है और यहीं पर भयंकर दुर्घटना हुई है। आप लोग देख रहे हैं ये ट्रक है, इस पर ईंटें लदी हुई है और ये एक कार पर चढ़ गया है। ये कारें पार्किंग में खड़ी हुई हैं और इसको देखिए रौंद दिया है पूरी तरह से। और कार का नंबर पहले बता देंगे, ये देखिए कार का नंबर DL3CCP8630, ये कार का नंबर है और टियागो कार है टाटा की। और कार, ये ट्रक देखिए कितनी बुरी तरह से चढ़ा हुआ है और कार चकनाचूर हो गई है और ऐसा कहा जा रहा है एक की मौत भी हुई है। तो कोई नंबर वगैरह दिख रहा है भाई? अंदर से दिखाओ थोड़ा सा, कार की क्या हालत हो गई है, कार की क्या हालत हो गई आप लोग देख सकते हैं। अगर कार में कोई होता तो उसकी जान चली जाती, लेकिन गनीमत थी इस कार के अंदर कोई था नहीं। इधर देखिए कार इससे जो है लग गई है, आप लोग देख रहे हैं ये कार भी डैमेज हो गई है और ये कार भी डैमेज हो गई, दो तीन कारें डैमेज हो गई हैं। अभी इसका नंबर आगे से नहीं पता चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे पीछे से चलेंगे और ट्रक का नंबर दिखाएंगे और बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। कोई था यहाँ पे जब दुर्घटना हुई आप में से? कोई था भाई आप लोगों में? अभी एक लड़का, आप थे ना भैया? अभी एक लड़का बता रहा था, कहाँ गया? आना भाई थोड़ा सा आ जाओ यार, जो देखा हो। हाँ ये भैया बताएगा कुछ देखा होगा इसने, उसके बाद इस गाड़ी का नंबर हम आपको दिखाएंगे। भाई साहब आप कुछ बता रहे थे कैसे दुर्घटना हुई, थोड़ा सा बताइए किधर से आ रहा था ये ट्रक? इस तरफ से आ रहा था। इधर से सर मोहम्मद, आप जो है बढ़िया जानकारी दे रहे हो, क्या नाम है? अर्श। अर्श, हाँ जी। अच्छा आप बताइए। ये इधर से आ रहा था बिल्कुल सामने। गुरुग्राम की तरफ से? नहीं मैं बड़खल से हूँ। नहीं ये गुरुग्राम, गुरुग्राम की तरफ से आ रहा था ये। अच्छा ईंटें लदी हुई है इस पर? हाँ जी फुल भरा हुआ है ईंटों से। अच्छा किसी को टक्कर भी मारा इसने? हाँ ये CNG वाली गाड़ी थी ना जो, इसकी टक्कर हुई है और जो उसमें कंडक्टर बैठा था, टक्कर लगने के बाद वो खिड़की से निकल के साइड में गिरा है, वो ट्रक उसके ऊपर आया है, खत्म हो गया वो। हाँ वो खत्म हो गया। और हमारे चाचा के लड़के हैं, उनका ट्रैक्टर जा रहा था साइड में, जो CNG का ट्रक है वो हमारे ट्रैक्टर की ट्रॉली में लगा है, ट्रॉली भी पलटी है। अच्छा हाँ, और ये डायरेक्ट आकर इसमें ठुकाए गाड़ी। एक आदमी खत्म हो गया, एक घायल भी बता रहे हैं। हाँ दो जनों को चोट। ड्राइवर भग गया होगा मेरे ख्याल से? नहीं नहीं भगा नहीं, तो इस सिचुएशन में भी भगा जा रहा है क्या? अच्छा निकाल लिया उसे, निकाल लिया उसको। अनकंट्रोल कह रहा, ब्रेक फेल है, ब्रेक फेल बताया। तो एक खत्म हो गया, अच्छी जानकारी दिया आपने, धन्यवाद इसके लिए। तो आइए हम चलते हैं अब आगे की तरफ, आगे की तरफ चलेंगे, इस ट्रक का नंबर भी आपको दिखाएंगे। आइए कैमरामैन। तो ये CNG वाली गाड़ी बता रहे हैं उधर पड़ी हुई है और इसका नंबर पीछे से दिख रहा है तो हम नंबर दिखा देंगे इसका, HR55X2688 इसका नंबर है। थोड़ा जूम करके दिखा दो, ये रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो ये इस ट्रक का नंबर है, ईंटें लदी हुई हैं, तो ईंटें लदी हम इधर से दिखाएंगे। तो काफ़ी वज़नदार था ये ट्रक, देखिए ईंटें लदी हुई हैं इसमें और ये ईंटें नीचे गिरी हुई भी हैं, तो बुरी तरह से इस वक्त तो ये फंस गया है आप लोग देख रहे हैं। और इसको निकालने के लिए बड़े हाइड्रा की ज़रूरत पड़ेगी, अभी एक हाइड्रा आया था लेकिन वो चला गया, तो बड़े हाइड्रा की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग देख रहे हैं कितना भयंकर एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। और देखिए आगे ले चलेंगे आपको, वो CNG की गाड़ी कौन सी है, CNG की गाड़ी कौन सी है जिसमें लगा था ये, आइए इस गाड़ी को भी दिखा देते हैं। तो बहुत भयंकर दुर्घटना हुई है यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं ये गुरुग्राम का रास्ता है और ये पाली की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो ये देखिए आप लोग, ये CNG वाली गाड़ी कह रहे हैं, इस पर सिलेंडर वगैरह लदे हैं आप लोग देख रहे हैं, इसका भी नंबर दिखा देंगे ताकि रिकॉर्ड में आ जाए, HR38AB4456 इसका नंबर है और आगे से भी दिखाएंगे। तो इसमें सिलेंडर वगैरह लदे हुए हैं, हालांकि बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, भगवान ने बचाया है, अगर सीधी टक्कर होती तो बड़ी दुर्घटना हो जाती। तो इसका आगे से नंबर दिखा देंगे, शीशे वगैरह इसके टूटे हुए हैं, HR38AB4456। ड्राइवर कहाँ गया इसका ड्राइवर? अच्छा तो इधर देखिए ये पंक्चर भी हो गई है, तो कह रहे हैं सिर्फ टक्कर मारी इसमें जो है और इसके शीशे वगैरह भी टूट गए हैं। अब ये नहीं पता इसका टायर पहले फटा या उसका ब्रेक फेल हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। अब इस भयंकर दुर्घटना में एक की जान भी चली गई, तो आइए उधर कुछ पुलिसकर्मी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, शायद उनके पास कोई रिकॉर्ड हो। सर नमस्कार, क्या हाल है सर?
बढ़िया। हाँ थोड़ा जानकारी दीजिए। अभी जानकारी हुई नहीं है क्लियर। अच्छा, जो खत्म हुआ है उसका नाम वगैरह पता चला? अच्छा कुछ मिला नहीं उसके जेब से? पता नहीं लग पाया अभी। अच्छा कर रहे हैं भाई। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बता देंगे सारी चीजें पता लग। ठीक है ठीक है, धन्यवाद आपका। तो देखिए अभी वेरीफाई चीजें नहीं हुई हैं, कह रहे हैं जैसे ही वेरीफाई होता है हम आपको बताते हैं। बाकी एक की जान गई है ऐसा कहा जा रहा है, और कह रहे हैं वो सीएनजी का कंडक्टर था, जो सीएनजी गाड़ी है उसका कंडक्टर था। बाकी यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं, और सीसीटीवी में देखेंगे, देखिए ये कैमरा लगा है सीधा इधर आ रहा है, और इसमें ज़रूर सब कुछ कैद हुआ होगा। और उधर भी कैमरे लगे पड़े हैं, उधर भी दिखा दो कैमरामैन, चारों तरफ कैमरे लगे पड़े हैं, उन सब में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। उसमें पता चल जाएगा ये ट्रक किधर से आ रहा था, वो सीएनजी गाड़ी किधर जा रही थी, जिसकी मौत हुई है वो कैसे हुई है, हर चीज़ की जानकारी सीसीटीवी के ज़रिए आ जाएगी। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बताने से हिचक रही है, क्योंकि उनका कहना है अभी चीज़ें वेरीफाई नहीं हुई हैं। तो जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आती है हम आपको ज़रूर देखें। लेकिन इतना भयंकर एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, और इसकी एक वजह ये भी है कि रेड लाइट कोई काम नहीं कर रही। इधर दिखा दो, कोई रेड लाइट काम नहीं कर रही हैं। अब जब रेड लाइट काम नहीं करती तो किसको कहाँ जाना है, कब रुकना है, किधर जाना है, कुछ पता नहीं होता, कुछ अंदाज़ा नहीं होता। लोग इधर से उधर भागते हैं, जल्दबाजी में भागते हैं, और इसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट थोड़ा सा ध्यान दे, यहाँ जो रेड लाइट लगी हैं उनको ठीक करवाए, और वो काम करनी चाहिए ताकि किसको कब रुकना है, वो कब जाना है उनको पता होना चाहिए। इस तरह लापरवाही यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये उतार है, यहाँ पर वैसे ही स्पीड में गाड़ियाँ होती हैं। अब रेड लाइट होती है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, रेड लाइट नहीं होती या काम नहीं करती तो लोग चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं, और इसकी वजह से दुर्घटना भी हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कमी भी दिखाई पड़ रही है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, इन रेड लाइटों को तुरंत ठीक करवाया जाना चाहिए। बस इतना बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।